हाँ, फिर बोले गंजे तू, कौन कहता है कि मासूक मेरा गंजा है, चांद के सर पे कहीं बाल हुआ करते हैं। कितना बढ़िया शेर का है, अल्लाह करे तेरी कब्र में रोशनी हो। इसलिए बचपने से बहुत हमें चाहता है, छोटा था जब से हम इसके माइक पे गा रहे हैं और गाते रहेंगे, चाहे वो खराब बजाए चाहे अच्छा, मगर हमको है यही सच्चा, है ना। हेलो, क्या थाने फोन लगा रही है, ऐसा ना करना देखो। अच्छा अच्छा सुनो गजल। हम तो रोए एकदम न्यू बिरान, अल्लाह जानता कहीं गजल गाई नहीं। हेलो, जो गजल हम गाने जा रहे हैं हमने कहीं पर भी नहीं पढ़ा, बस यहीं पढ़ रहा हूँ, बैठ जा तू। हम तो रोए बहुत प्यार करके, जितने लोग बैठे हैं, जो खड़े हैं, जो कुर्सियों चेयर पर बैठे हैं, ये शेर सुनना। और ये शेर खास तौर से इनके सुपुर्द कर रहा हूं। दिल तो क्या जान भी मांग लो तुम, दिल तो क्या जी, दिल तो क्या ये मेरा शहर है, ये मेरा घर है, मेरा बचपना यहां बीता, कहीं 900 रुपए बताता था, कहीं 1000 रुपए, कहीं 1200 रुपए, आज कितना रुपया ले रहा हूं मालूम है, 80 करोड़ तो अभी पकड़ा है मोदी जी ने, मगर लौटा दिया, नकली थे। दिल तो क्या हो, हो दिल तो क्या जान दी मांग लो तुम, क्यों पूछो क्यों जान भी मांग लो तुम, क्यों
तुम तो मेहमान देख तेरी बात रख रहे, तू मेरा दोस्त है, मेरी जान है, मेरा दिल है, फेफड़ा कलेजी गुर्दा आते पचौनी सब है। दिल तो क्या चाल में चुप। अरे यार, अबे ऐसा रो रहा जैसे अपनी अम्मा की कब्र पे रो रहा हो यार। रोने भी नहीं देते। और तुम क्यों रो रहे हो? हमको रोना है आज, बहुत रोना आ रहा। हम तो उधर से पास ही लगा ले, हाँ, मगर कमेटी वाले सब फंस जाते हैं। दिल तो क्या जान भी मांग लो तुम तो मेहमान। अच्छा तुम्हें बाबा कसम है, अब तो कुछ तो नहीं कह रहे, इधर मेरी तरफ देखती रहो। देखो उड़ीसा कटक हम आ रहे हैं गाने। अरे भैया, ए मुसाफिर भैया, भैया अरे इधर देखो यार मेरे भाई। अरे यार तो मेरी जान, चुप रहो, थोड़ी तकलीफ सहो। अबे कब्र में कैसे, जब माँ डंडे पड़ेंगे जब क्या कहेगा? चुप खड़ा, तकलीफ सही ले। हाँ, दिल तो क्या जानवी मांग लो तुम। हेलो, तुम तो मेहमान हो मेरे घर के। बेटा जो एकदम सॉलिड गा रहा हूं और हंसा भी रहा हूं सबको, क्यों आप बताइए हाफिज जी, सही बात है ना? अरे दोस्त, चलो शरीफ परवाज आ रहा, चलो सुने, है ना? अल्लाह अच्छा रखे आपको। क्यों? तुम तो मेहमान हो मेरे घर के। मजमे में कोई ऐसा बुलंदी का मालिक होगा, दिमाग का, दिमाग की बुलंदी, तो वो ये शेर पे मुझको जरूर दाद देगा। जब जरा सी बुलंदी मिली तो, जब जरा सी बुलंदी मिली तो दाम लगने लगे मेरे सर के। पूरी रात तो ये शेर चस्पा हो रहा। आ गए हम तो मंजिल पे लेकिन, आ गए हम तो मंजिल पे लेकिन, आ गए हम तो मंजिल पे लेकिन, आ गए जिंदगी
जिंदगी क्या बिना हम सफर के, क्या किसी का भरोसा करें हम, क्या किसी का भरोसा करें हम। मेरा भाई शेर सुनना बहुत अच्छा है। क्या किसी का भरोसा करें हम, अब तो घर में भी रहना है डर के, अब तो घर में भी रहना है डर के, अब तो घर में भी रहना है डर के, अब तो घर में भी रहना है डर के, अब तो घर में भी रहना है डर के, अब तो घर में भी रहना है डर के, अब तो घर में भी रहना। ये शेर मैंने क्यों कहा, अपने अपने नजरिए सोचिए। अब तो घर में भी रहना है डर के। एक लड़की जो कश्मीर की थी, आशफा नाम था, तो जरा शेर देखें। पहचान थी मगर क्यों नहीं उनको उस सजा पे पहुंचाया। शेर देखें, मैंने कहा उसने उसका कत्ल किया है हमको इससे मतलब क्या, उसने उसका कत्ल किया है हमको इससे मतलब क्या, किसने मारा कौन मरा है हमको इससे मतलब क्या, एक कौवे को चोट लगी तो सारे कौवे चीख पड़े, एक परदेसी जख्मी पड़ा है हमको इससे मतलब क्या। शुक्रिया। छूट जाएंगे मगर यहां से। अब शेर सुने। हजारों कत्ल के मुजरिम को एक दिन की सजा, खुद इस सजा पे तो कातिल बहुत हंसा होगा, और मुझे यकीन है कि उम्र कैद होगी उसे जब आसमां की अदालत पे फैसला होगा। क्या किसी का भरोसा करें हम, क्या किसी का भरोसा करें हम, अब तो घर में भी रहना है डर के, अब तो घर में भी रहना है डर के, डर के। मशहूर शायर हैं ये गाफिल साहब हैं, जो मेरे दोस्त भी हैं, मेरे बहुत अजीज हैं। ये रात में हम दोनों ने बैठ के गजल कही थी। कुछ शेर मैंने कहे थे, कुछ शेर उन्होंने कहे थे, तो देखिए दोनों को मकसद को कैसे निभाया। कितने परवाज हो परवाज़ काफ़ी
काफिल मरेंगे कितने परवाज काफिल मरेंगे घर से निकलेंगे घर से निकलेंगे जब ये संवर के I'm not afraid.